भवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी कॉलेज पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान पुलिस में आने वाले मोस्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम पैटर्न है उसमें क्वेश्चन आएंगे, जो सिलेबस रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है कि रीजनिंग लॉजिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जो 60 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और बाकी जनरल नॉलेज जनरल साइंस और करंट अफेयर के आएंगे 40-15 नंबर के, और जनरल और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। महिला बाल के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो 10 क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें जोग्राफी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स कल्चर आर्ट ऑफ राजस्थान 45 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 22 नंबर के होंगे। कुल दोस्तों इन किस्म के जो ये सब्जेक्ट है इनका एग्जाम लगेगा, तो इनके ऊपर मैंने बहुत रीजनिंग को छोड़ के दोस्तों जनरल नॉलेज और ये महिला बात और इनकी जोग्राफी के ऊपर बना रखी चलिए। दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती में आने वाले एग्जाम में आने वाले मोस्ट क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन आएंगे और समझाते हैं आपको। तो दोस्तों अपन राजस्थान पुलिस इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी और BSF ये सब आने वाली भर्ती के लिए नई वीडियो बनाते रहते हैं। जो भी वैकेंसी आती है इनमें तो अपन उसका वीडियो बनाती है, तो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलिए अपन मोस्ट क्वेश्चन आंसर आपको बता देते हैं एक एक। दोस्तों पहला चीज़ ये है कि एक अपने मौजूदा फोन के लाखों लोगों को कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क से जोड़ने और कहा जाता है। दुनिया भर के लाखों लोगों को कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क से जोड़ने और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसमें आपको इंटरनेट करना होगा, और जब आप विंडो में काम करते हैं तो सभी विकल्प कहाँ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आइटम बार कहते हैं उसे। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल के नाम से किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो EXE का प्रयोग किया जाता है। विंचेस्टर ड्राइव को .. इसका मतलब यहाँ पे अपन ब्रेक स्थान की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? विंचेस्टर को, विंचेस्टर ड्राइव को तो हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। और CD ROM में एक डेटा को लिखने, मिटाने और फिर से लिखने के लिए आपको किस प्रकार की CD ROM का उपयोग करना होगा? CDRW। एक बाइट किसके बराबर होता है? अर्थात एक बिट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर। असम PS का पूर्ण नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़े या फिर आप रीडिंग कर लें, या फिर इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा स्लॉट मदरबोर्ड विस्तार को स्लॉट नहीं है? ATX। एक उच्च घनत्व फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा कितने डेटा का समायोजन करती है? तो 1.44 MB। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कीबोर्ड। दोस्तों कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट ये दो डिवाइस होते हैं, तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। तो
एक सीपीयू क्या शामिल होता है? एक नियंत्रण इकाई और एक अंकगणितीय तर्क इकाई। उसके बाद में दोस्तों, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग। एक पीसी में विभिन्न कार्ड को कार्य करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है डीसी की। हार्ड डिस्क स्वरूपण किस प्रकार की फाइल आवंटित तालिका बनाती है? उस उच्च स्तर की मुद्रित सर्टिफिकेट बोर्ड का क्या नाम होता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके समय और डेटा को नियमित बनाए रखता है? तो सीएमओएस रैम। आईआरएक्स एक आमतौर पर किसके लिए असाइन किया जाता है? कीबोर्ड के द्वारा। एलसीडी मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है? टीएफटी के रूप में। एक रोम में संग्रहित डाटा एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता है, यह सच है। जब एक कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो उसको दिए गए स्थायी निर्देशों को वो जिसको बदल बदल ना सके वो किसमें सेव रखते हैं? रोम में। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है, इंटरफेस के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उन्हें कौन नियंत्रित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में स्थित होती है? एनालॉग डेटा के रूप में। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन ले जाना चाहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। चलो दोस्तों, ये तो वही कंप्यूटर के क्वेश्चन, अब बात करते हैं जीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देखते रहिए अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष के अंतर्गत आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं है? बीकानेर व चूरू जिलों में। कोलायत झील है बीकानेर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की पिछली पशुधन संगणना संपन्न हुई 2007 में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसमें राष्ट्रपति का ऑप्शन आ रखा है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसने कहा था? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह शब्द किसने कहा था? तो इसमें आएगा सरोजनी नायडू। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, किसके अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। किस व्यक्ति को उठाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को उठाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें 5 साल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है?
तो इसमें 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो उसमें एक। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? राज्यपाल की मुख्य भूमिका है केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी जोड़े रखना। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो ये तो अब जम्मू कश्मीर, इसमें अब चेंज हो गया है। तो इसमें अब चलिए बताते हैं आपको राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो जाता तो इसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 66। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1-3 के बराबर होनी चाहिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? लाड कुमारी जैन। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? लाड कुमारी जैन। जनवरी 2012 में जयपुर में आयोजित क्रमानुसार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? 10वां। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रतिनिधि कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो इसमें हरदीप सिंह पुरी है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर न्यूनतम है? जालौर में। किस देश ने भारत की घेराबंदी करने हेतु मोतियों की माला रणनीति अपनाई है? चीन ने। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालय में कौन सी अल्पसंख्यक भाषा का शिक्षण की व्यवस्था है? गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी। मौसर किसे कहा जाता है? मौसर मृत्युभोज को कहा जाता है। 2001-11 के दशक के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर है। बाकी अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला देखा जाए तो बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। इसमें ऑप्शन आएगा मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है जोधपुर जिले में। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल कौन सी है? बाबूजी की फल। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फल कौन सी है? बाबूजी की फल। गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ में। जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई है? जोधपुर में। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पहली राजनीति पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया? भारतीय जनता पार्टी। भारत की वह राजनीति पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? भारतीय जनता पार्टी। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? बेंगलोर के प्रधान डाकघर में। वर्ष 2012 के राजस्थान विधानसभा में चुनावों में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए? 3। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सवेर भरतपुर में। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30। जनगणना 2001-11 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। 2012 में राजस्थान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? पंडित विश्व मोहन भट्ट को। तो दोस्तों ये तो रहे नए इसके क्वेश्चन। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। हल्दीघाटी के पास स्थित खमनौर गांव में रथलाई के मैदान में ग्वालियर के किस राजकुमार ने अपने प्राण उत्सर्ग किए जिसकी समाधि छतरी भी वहां स्थित है? राम सिंह तंवर ने। तो हल्दीघाटी के पास स्थित खमनौर गांव है रथलाई के मैदान में ग्वालियर के किस राजकुमार ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे उसकी समाधि बनी हुई है?
राम सिंह कंवर की छतरी वहां पे बनी हुई है। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के घोड़े चेतक घायल हो जाने पर परिस्थिति को समझते हुए किस वीर राजपूत ने राजसिंह और ध्वज अपने हाथ में ले लिया और प्रताप के स्थान पर वह स्वयं लड़कर प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाला था, वो कौन था? तो राजराणा विदा। वेली कृष्ण रुक्मणी जी की रचना किसने की की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने। महाराणा प्रताप का राजतिलक कब और कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राजतिलक 1972 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ। मुगल पुराण का संबंध है जसनाथ जी। अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? वह इसके रचयिता कौन है? संस्कृत भाषा का रचयिता सारंग देव। भारतेश्वरी बाहुबली गौर। भारतेश्वरी बाहुबली गौर राजस्थान भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? भरत सेन सूरी। तो इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतेश्वर बाहुबली गौर राजस्थान भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसके रचयिता है भरत सेन सूरी। वह रचना जिसको जवारतों की स्याही से लिखा गया है गुलिस्ता। संगीत रत्नाकर के रचनाकार है सारंगदेव। कुमार रासो की स्थापना किसने की थी? दलपत विजय ने। राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया ने। वीरवान द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल सेना के विरुद्ध राठौड़ों द्वारा लड़े गए युद्ध का वर्णन है? राजरूपक में। राजवल्लभ के लेखक थे मंडन। और जसिमर राजे का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें सागरमल गोपा ने जसिमर राजे का गुंडा नामक शासन नामक पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। वीरस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? चारण तथा भाटों को। राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल है विक्रम संवत 800 से 1807। चेतावनी रा चुंगटिया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारहट। जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। मोनोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है मोनोत नैणसी की ख्याल। राव जयसिरो छंद की रचना किसने की? तो इसमें राव जयसिरो छंद की रचना सुजा जी ने की। राजस्थानी भाषा के विद्वान राजस्थानी में रामायण के रचयिता है संत हनवंत किंकर। राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी के रामायण के रचयिता कौन है? संत हनवंत किंकर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मोस्ट क्वेश्चन आंसर है, तो आप इनको जरूर देखिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीय प्राचीन लिपि माला की लेखक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हल्दीघाटी युद्ध के शुरू होने से पूर्व अकबर की शाही सेना ने जिस स्थान पर डेरा डाला था उसे क्या कहा जाता है? तो शाहीबाग के नाम से उसे जाना जाता है। राणा प्रताप की घोड़े की समाधि कहाँ स्थित है? हल्दीघाटी में। अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण कर कब्जा किया? 1567 ईस्वी में। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में हजारों राजपूतों ने मुगल सेना का मुकाबला किया? वीर जयमल और पत्ता ने। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हजार राजपूतों ने मुगल सेना का मुकाबला किया। हजारों सेना का मुकाबला किसने किया था? मुगल सेना का किन वीर जयमल और पत्ता ने किया था। हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए राणा प्रताप की सेनापति पठान हकीम का सूरी की समाधि मजार कहाँ स्थित है? खमनौर गांव के रक्त में। हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए राणा प्रताप के सेनापति पठान हकीम का सूरी की समाधि मजार खमनौर गांव के रक्त में स्थित है। तलाई के मैदान में राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस दिन प्रारंभ हुआ? तो 18 जून 1576 को हुआ।
राजस्थान में रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। संगीत राज, संगीत मीमांसा ग्रंथ और गीत गोविंद, रसिक प्रिया नामक टीका के लेखक कौन थे? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा ग्रंथ और गीत गोविंद, रसिक प्रिया नामक टीका ग्रंथ के लेखक थे राणा कुंभार। विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? तो राजस्थान केसरी है विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार। और दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों किस जिले में स्थित है? जयपुर में। उसके बाद में दोस्तों, राजस्थान में सुनने उद्योग जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान को। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है? जालौर में। हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है पन्ना। राजस्थान में पेल्स पार्क कहाँ पाया जाता है? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा में। सुपर जिंक स्मेल्टर सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। आलोक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान में सोना कहां पर पाया जाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राजस्थान में सोना बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट के राजस्थान के प्रमुख स्थान कौन से हैं? रॉक फॉस्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान झामरकोटा जो उदयपुर में है और बीरमानिया जैसलमेर में। हीरा राजस्थान में कहां पाया जाता है? तो केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? छोटे स्थान पर। लोक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें छोटा आएगा। लोक खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में छोटा स्थान है। राजस्थान में जेमस्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? जयपुर में। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? नागौर में। राजस्थान में चांदी की खान कहाँ पर स्थित है? जावर, उदयपुर, रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा। मैग्नीज राजस्थान के किस जिलों में पाया जाता है? बांसवाड़ा, उदयपुर में मैग्नीज पाया जाता है। कर्म्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? अजमेर। राजस्थान में मैग्नेसाइट कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? अजमेर। राजस्थान में वोल स्टोनाइट कहाँ पर पाया जाता है? सिरोही और डूंगरपुर में। राजस्थान में कैल्साइट कहाँ पर पाया जाता है? सीकर और उदयपुर में। भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में है। राजस्थान की पहली विशिष्ट अश्वगंधा मंडी कहाँ पर बनाई गई है? अश्वगंधा मंडी, राजस्थान की पहली अश्वगंधा मंडी झालावाड़ में बनाई गई है। यूरेनियम राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर में यूरेनियम पाया जाता है। अभ्रक राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? भीलवाड़ा, उदयपुर में। उसके बाद में सीसा दस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, बाड़मेर। पाइराइट राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? सरला। राजस्थान में बेराइट्स के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जगतपुरा, उदयपुर। घिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा, उदयपुर। किस 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 किले को बटनेरा किला कहा जाता है? हनुमानगढ़ किले को बटनेरा किला कहा जाता है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिया ने। देव सोमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। बांसवाड़ा जिले में किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर महादेव का मंदिर। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में बढ़ते हैं? नागौर में। ऊँट की खाल पर स्वर्ण युक्त मीनाकारी चित्रांकन आदि कार्य
जैसलमेर की बहुआ है, हमें कला के किस नाम से जानी जाती है, पुष्पकलाई नाम से। सबसे पुरानी नहरों में से गंग नहर का निर्माण 1927 में फिरोजपुर पंजाब के निकट उसीनीवाला में सतलज नदी के नहर निकालकर किसने करवाया था, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने। खारी नदी किस अपवा तंत्र का अंग है, बंगाल की खाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य के वो शासक जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहयोग दिया, महाराणा फतेह सिंह। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई, अजमेर जिले में बिनाई में रकड़ी क्या है, सिर पर पहना जाने वाला आभूषण लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलण देवनारायण जी की फड़ किस जाति के बहुत द्वारा बांची जाती है, गुजर जाति के द्वारा। भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिम और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है, उदयपुर में। लोक देवता हड़बू जी किस शासक के समकालीन थे, राव जोधा के। आई माता कहाँ पे है, भीलवाड़ा जोधपुर। किस लोक देवता की शिष्या थी, रामदेव जी की। और बता दें आपको, राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी पाल पर किस लोक देवी का मंदिर बना है, गेवर माता का। राजस्थान जिले के किस गांव में आहट आयर सभ्यता के समकालीन दो टीले प्राप्त हुए थे, गिलुण में। संत जम्बो जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की, बिश्नोई। भक्त कवयित्री मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है, मेड़ता। देवी के व्रत जगे के समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत मंत्र क्या होता है, चिड़गा। संत 1958 में स्थापित राजस्थान साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में। और श्रद्धालु अपने आराध्य लोक देवता की सोने चांदी पीतल तांबे आदि की धातुओं से बनी प्रतिकृति गले में बांधते उसे क्या कहते हैं, जो उसे कहते हैं नावा या चौकी। लोकमानस में शकुनचंडी को किस माता के रूप में स्वरूप में माना जाता है, तो आवड़ माता के रूप में उसे माना जाता है। नीले व लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग अजरक प्रिंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है, बाड़मेर। बैसलाना किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, काले संगमरमर के लिए। राज्य के किन जिलों में एक भी नदी नहीं बहती है, बीकानेर चूर। राजसमंद जिले का मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है, टेरिकोटा के कारण, मिट्टी की मूर्तियों के। ब्लू फोर्ट्री के कौन सा नगर प्रसिद्ध है, कोटा। ब्लू फोर्टे के कौन सा नगर प्रसिद्ध है, कोटा। किस लोक देवता को जार पीर कहा जाता है, गोगा जी को। सुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, करणी माता। देशमुख बीकानेर लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है, कैला देवी मंदिर करौली में। राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे प्राप्त है, घोड़ावण को। गुड़ला पर्व कब मनाया जाता है, गणगौर से एक दिन पूर्व। कौन सा मेला आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है, वेणेश्वर का मेला, डूंगरपुर। गालो ऋषि के आश्रम के रूप में राजस्थान का कौन सा तीर्थ स्थित माना जाता है, दलदा जी का। जयपुर रूणी गांव में कौन सा लोक देवता का मंदिर है, बाबा रामदेव जी का। सालासर बालाजी का धाम किस जिले में है, चूरू जिले में। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखा जाता है, ये किस दिन आती है, माघ अमावस्या के दिन। मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, तो इसमें आएगा आपके दिवेका युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के सेनापति मानसिंह के बीच 21 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, अकबर की सेना के सेनापति मानसिंह के बीच 21 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था, तो नाथद्वारा के निकट हल्दी घाटी में। सन 1957 में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। सन 1957 में स्थापित राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, जयपुर में। सेवनगांव राज्य के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसलमेर जिले में। हनुमानगढ़ के किस किले को किस नाम से जाना जाता है,
हनुमानगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? बटनेर का किला। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है? माउंट आबू। उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले का सीता माता अभयारण्य। राजस्थान भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जागती जोर का प्रकाशक कौन थे? राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। नए दामाद के ससुराल में आने पर स्त्री द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? फावड़ा गीत। राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें आएगा उदयपुर। किस शहर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किस स्वाधीनता सेनानी को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है? गोकुलभाई भट्ट को। किस द्रुप को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? तो बैसरोगढ़ द्रुप को राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? सुमित्रा सिंह। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र शहर कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आने वाले, तो आप इनको पढ़ें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों अपन इस चैनल पे आई टेक नॉलेज पे राजस्थान पुलिस और भारत इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी और बीएसएफ सीआईएसएफ इनकी आने वाली वैकेंसी के डिफेंस के वीडियो बनाते रहते हैं। जो भी वैकेंसी अपडेट होती है तो उनके अपन वीडियो लेटेस्ट बनाते रहते हैं, तो अगर आप उनको सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाएं, और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबाएं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपने इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक तो कर ही दीजिएगा, और पास में सब्सक्राइब का बटन है तो उसे सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी।